हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, और सब्सक्राइब करें हमारे बीएच कार्टून टीवी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाराज को रिश्ता विश्ता लेके आए हो, ऐसे ही मुंह उठा के चले आए? लाए हैं यजमान, बिल्कुल लाए हैं, हमारे पास तो रिश्तों की लिस्ट है। तो महाराज अभी कुछ बताओगे भी या मुहूर्त निकालोगे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? नहीं नहीं बताओ कैसी बात है। सुबह से आके बैठे हो, सुबह का नाश्ता कर लिए, दोपहर का खाना भी खा लिए, 5,000 रुपए दक्षिणा के भी ले लिए, प्रभु अब क्या रात का भी खाना खा के जाओगे? अरे आप इतना कह रहे हैं तो रात का खाना भी खा लूंगा। कुछ नहीं मिलेगा समझे, अब कुछ नहीं मिलेगा, फटाफट रिश्ता बताओ और यहाँ से चलते बनो। अरे यजमान आप तो खामोखा नाराज हो रहे हैं, मेहमान तो भगवान समान होते हैं, उनकी सेवा सत्कार करनी चाहिए। महाराज मेहमान आए, मिले जुले, खाया पिया और चलते बने, तो मेहमान भगवान समान है और मेहमान जबरदस्ती गले पड़े तो मेहमान शैतान के समान है, समझे? अरे यजमान आप तो पैजामे के बाहर हो रहे हैं, भाभी जी आप कुछ इन्हें समझाती क्यों नहीं? अरे सुनते हो जी? अरे बिल्कुल बहरा थोड़ी हूँ मैं, मेरा मतलब है क्या कह रही हो देवी जी? आज मैं बर्तन साफ नहीं करूँगी, महाराज आज रात तक रुकेंगे तो सब साफ कर देंगे। मम्मी बाथरूम में कपड़े पड़े हैं वो भी साफ करवा लेना। अरे भाभी जी अभी अभी मुझको याद आया कि राम प्यारे के लड़के का रिश्ता देखने दूसरे घर भी जाना है। महाराज सही समय पे याद आ गया, नहीं तो आपका आज अच्छा स्वागत होता। अरे अच्छा मजाक कर लेते हैं आप सब। प्रभु अब हैं ही करते रहोगे कि कोई अच्छा रिश्ता भी बताओगे? यजमान पड़ोस के एक गांव में बहुत ही सुशील सुंदर सर्वगुण संपन्न वर्मा जी की लड़की रहती है, आपके इस टेढ़े मेढ़े लड़के के साथ उसकी जोड़ी अच्छी रहेगी। महाराज अपनी ही बिरादरी में रिश्ता करना होता तो आपको ही क्यों बुलाता? अरे 10 जानने वाले तो खुद ही आगे पीछे घूमते रहते हैं, कोई बिरादरी से अलग रिश्ता बताओ। बड़े विचित्र आदमी हैं आप भी, लोग अपने बच्चों की शादी बिरादरी में करते हैं और आप इसकी शादी बिरादरी से अलग करने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं करनी बिरादरी में शादी, कान खोल के सुन लो, नहीं करनी बिरादरी में शादी। अरे पर बिरादरी में शादी करने में क्या परेशानी है यजमान? दहेज, दहेज नहीं देना चाहता कोई बिरादरी में, बिरादरी बिरादरी करके सब मुफ्त में शादी करना चाहते हैं। 10 महीने तक लड़ाई गुड़ाई की है अपने लाल की, सबसे महंगा वाला खाना खिलाया है इसे, तब जाके ये हट्टा कट्टा नौजवान बना है, और जितना खर्च किया है अपने लाल पे उसका दोना चाहिए दहेज में मुझे। मतलब किसी राजा महाराजा के खानदान की बहू चाहिए आपको जो मोटा धन दे सके आपके लिए? हाँ यही समझो महाराज, मोटा दहेज दिलवाओ हमें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और हाँ लाइक कमेंट करने के बाद वीडियो को शेयर कर दें।